हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम स्टॉक डिविडेंड और कैश डिविडेंड के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं और डिफरेंट सिनेरियो में कौन सा बेटर होता है इसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। फॉर मल्टीबैगर स्टॉक्स रिकमेंडेशन, स्विंग मोमेंटम ट्रेड्स, स्टॉक पोर्टफोलियो क्रिएशन, कॉन्टैक्ट अस एट stockprotips@gmail.com। डिविडेंड क्या है? डिविडेंड कंपनी के अर्निंग्स का एक पोर्शन होता है जिसको वो अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के डिसीजन के बाद अपने शेयर होल्डर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करती है। और ये जनरली दो तरीके के होते हैं, नंबर वन कैश डिविडेंड, नंबर टू स्टॉक डिविडेंड। तो आगे के स्लाइड में हम इन दोनों डिविडेंड के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। कैश डिविडेंड क्या है? कैश डिविडेंड एक मोड ऑफ पेमेंट होता है जो कि कंपनी अपने अर्निंग में से इन्वेस्टर को इन द फॉर्म ऑफ चेक या फिर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र के थ्रू पे करती है, और ये इकोनॉमिक वैल्यू ट्रांसफ़र होता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को अपने स्टॉक के प्राइस का 5% एज ए कैश डिविडेंड पे करना चाहे तो आगे स्टॉक के प्राइस में 5% का एक गिरावट को देखा जाएगा, क्योंकि इस केस में इकोनॉमिक वैल्यू ट्रांसफ़र किया जाता है और आगे हर इन्वेस्टर को इस पे टैक्स भी पे करना पड़ता है। इससे हर इन्वेस्टर को एक रेगुलर इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक रेगुलर इनकम भी होता है जो कि उसको अपने कैपिटल एक्सपोजर का एप्रिसिएशन करने में मदद करता है। स्टॉक डिविडेंड क्या है? स्टॉक डिविडेंड इज एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ शेयर्स ऑफ ए कंपनी विद द न्यू शेयर्स बीइंग गिवन टू द शेयर होल्डर्स। और कंपनी ये अपने लिक्विड कैश में शॉर्ट सप्लाई को टैकल करने के लिए डिक्लेयर करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी ने 5% का स्टॉक डिविडेंड पे आउट करने का डिसाइड किया है तो हमें उसके टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स में 5% का एक इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। यानी कि अगर आप कंपनी के 20 शेयर्स को ओन करते हैं तो उस पे आपको एक एक्स्ट्रा शेयर एलोकेट किया जाएगा। सपोज कंपनी के टोटल 1 मिलियन शेयर्स हैं तो हमें उसमें एडिशनल 50,000 शेयर्स ऐड होता हुआ भी दिख जाएगा। इन केस ऑफ स्टॉक डिविडेंड इन्वेस्टर्स के पास दो चॉइसेस होते हैं, या फिर वो उनमें से कुछ शेयर्स को बेच के उसमें से खुद का एक कैश डिविडेंड क्रिएट कर सकते हैं, या वो उन सब एक्स्ट्रा शेयर्स को होल्ड करके उसमें से एक बेटर रेट ऑफ रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। और इन्वेस्टर्स को उन सब एक्स्ट्रा शेयर्स पे तब तक टैक्स पे नहीं करना पड़ता जब तक वो उसे होल्ड करते रहते हैं। अगर स्टॉक डिविडेंड में एक कैश डिविडेंड ऑप्शन हो तो इन्वेस्टर्स को उस पे एक टैक्स को पे करना पड़ता है। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो यहाँ आपको इंट्राडे ट्रेड सेटअप के अलावा डेली मार्केट अपडेट्स, वैल्यू इन्वेस्टिंग, पर्सनल फिनेंस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और इंट्राडे और स्विंग ट्रेड रिलेटेड बहुत सारे स्ट्रेटेजीज मिल जाएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस रेड कलर के बटन को क्लिक करके, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। अभी हम कैश डिविडेंड और स्टॉक डिविडेंड के बीच में कुछ मेजर डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे। कैश डिविडेंड इज ऑलवेज द बेटर ऑप्शन फॉर द इन्वेस्टर सीकिंग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एज ए रिवार्ड फॉर इन्वेस्टिंग इन प्रॉफिटेबल कंपनी। हाउएवर दिस इज नॉट नेसेसरली ट्रू। इन मेनी वेज स्टॉक डिविडेंड कैश डिविडेंड के ऊपर एक बेटर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इस पे आपको कोई भी टैक्स पेमेंट नहीं करना पड़ता जब आप इसे रिसीव कर रहे हों। और जब भी कंपनी कैश डिविडेंड के बदले स्टॉक डिविडेंड पे आउट करती है तो इन्वेस्टर कंपनी के और ज़्यादा ओ करते हैं, क्योंकि वो एक्स्ट्रा शेयर्स कंपनी के ओन करते रहते हैं। और इसके अलावा स्टॉक डिविडेंड में एक अदर ऑप्शन होता है जो कि है कैश ऑप्शन, जो कि इन केस ऑफ कैश डिविडेंड हमें नहीं मिल पाता है। इन केस ऑफ कैश डिविडेंड जब भी कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को कैश एज ए डिविडेंड पे करती है उसके बाद उसके मार्केट कैप में थोड़ा सा गिरावट हमें देखने को मिल जाता है, जबकि हमें इन केस ऑफ स्टॉक डिविडेंड कंपनी के मार्केट कैप में कोई भी चेंज नहीं देखने को मिलता। और हमें इस केस में कंपनी के टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स में थोड़ा सा उछाल भी देखने को मिलता है। तो इस वजह से कंपनी के शेयर्स में प्राइस में थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया जाता है, इसका प्राइस थोड़ा सा गिर के एडजस्ट हो जाता है। इन्वेस्टर्स अपने कैश डिविडेंड को फिर से कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसको हम डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट प्लान भी कर सकते हैं। सम मार्केट सिनेरियो में स्टॉक डिविडेंड बेटर ऑप्शन नहीं होता, जैसे कि ड्यूरिंग स्टॉक मार्केट डाउन ट्रेंड और स्टॉक मार्केट क्रैश
कैश डिविडेंड एक बेटर ऑप्शन माना जा सकता है। सब्सक्राइब कीजिए स्टॉक प्रो टिप्स चैनल को और पाइए स्टॉक मार्केट और पर्सनल फिनेंस रिलेटेड वीडियो सबसे पहले। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर ऑन दिस वीडियो।